उत्थान का मार्ग है वो अजीब अजीब तरहों से भरा हुआ है, और जिसको कि हम मानने को तैयार नहीं होते कि यह कोई गलत चीज़ हमारे अंदर है। अब सहयोगियों के भी साथ ऐसी बात होती है, नहीं ऐसा नहीं, जैसे अभी शिवरात्रि की पूजा हुई, शिवरात्रि हमने कहा है कि उस दिन शिव जी प्रकट हुए थे संसार में, उन्होंने सदाशिव का स्थान लिया था, बहुत बड़ी चीज़ है। उस दिन आप उत्सव मनाओ, उस दिन कोई बड़े बाहर के दिन है उसको खूब धूमधाम से मनाया जाए, बजाय इसके सब लोग उपवास करके आए। पूजा हुई रात में, करते करते 12 बज गए, 1 बज गया, तब कहीं पूजा ख़त्म हुई, सबकी शक्लें ऐसी कि जैसे पता नहीं कहाँ से मार पीट करके आए हैं। अरे मैंने कहा क्या हो गया, कहले माँ सवेरे से उपवास से थे। कहे क्यों थे, जब तुम सहयोग में आ गए तब तुम उपवास क्यों करते हो, जब मना कर दिया तो भी नहीं उपवास करेंगे, क्योंकि ये बाप दादाओं से सब लोग उपवास करते आए हैं तो हम भी उपवास करें। आपके बाप दादाओं ने अगर कोई गलती करी हो तो उसे क्यों करना, आपके बाप दादा कुछ पैंट वैंट पहनते नहीं थे, धोतियां पहन के घूमते थे, तो आप लोग भी धोती पहन के घूमते। आज जब आपको पता है कि उपवास करना सहयोग में बिल्कुल मना है, हाँ आप उपवास करिए अपने शरीर के लिए करिए, पर शिव जी के नाम पे तो कम से कम मत करिए। शिव जी के नाम पे उपवास करना तो मेरी समझ ही कभी नहीं आता है कि वो तो कभी भी उपवास नहीं करते थे, उनको कुछ नहीं मिला तो वो जो चीज़ जितना भी विष होता था उसी को पी जाते थे। ऐसे शिव जी के जन्म पर सब लोग उपवास करते हैं, तो सहयोग में भी हम लोग दोनों चीज़ के साथ चलते रहते हैं। वो ये कि हमारे जो पुराने गले में फंदे पड़े हुए हैं उसके खिंचाव में ज़रूर हम आ जाते हैं, और जब वो खींचता है तो फिर देखते हैं कि घोड़ा चला दूसरे रास्ते, और एक नहीं, अरे कोई बात नहीं उसमें माने कहा था ऐसा बात थी ये करके, और उस तरफ आप चल देते। वास्तविक में आप इस तरह से शिव जी का अपमान कर रहे हैं। जो लोग सहयोगी नहीं हैं उनको 100 खून माफ, क्योंकि उनका संबंध परमात्मा से हुआ नहीं, उनको असलियत की मालूमात नहीं है, तो उनके लिए 100 खून माफ हो जाते। लेकिन आप जो कि सहयोगी हैं, वो जो सहयोगियों को जो चीज़ बिल्कुल मना है वो जब आप काम करते हैं तो उसका असर आप पे ज़रूर आता है, और उसके बाद 4-5 लोगों को हार्ट का ट्रबल होगा। तब फिर मेरे पास आए कि माँ अब इतने दिन हम सहयोग में रहने पर भी हमें हार्ट का ट्रबल क्यों हो गया। मैंने कहा आपने शिवरात्रि के दिन उपवास किया था, खूब किया था। मैंने कहा फिर आप भोगी, आप शिव जी को प्रसन्न करिए, खूब जाके खाना खाइए। नहीं डॉक्टर ने तो एकदम मना कर दिया है, डॉक्टर ने कहा है कि बस आप लेटे रहो ये करो वो करो। मैंने कहा फिर डॉक्टर की सुनो या मेरी सुनो। सहयोगियों को पता होना चाहिए कि अब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए तो जो चीज़ें नहीं हैं वहाँ पर वो हम कर नहीं सकते। जो इस देश का नियम है वो इंग्लैंड देश का नहीं है, इसी तरह से उस परमात्मा के देश का जो नियम है उस नियम के अनुसार चलना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में आप लोग कभी कभी फिसल पड़ते हैं। जैसे परसों मैंने बताया था कि एक ऊर्ध्वगामी शक्ति है और एक अधोगामी है, इससे हम नीचे की ओर चले जा रहे हैं। तो हम लोग जैसे बंदर के जैसे कभी तो ऊर्ध्वगामी पे रहते हैं और कभी अधोगामी पे जाते हैं, तो इस तरह की कूद फान करने से आप किस तरह से ऊपर उठ सकते हैं। बहुत बार लोग प्रश्न भी करते हैं कि माँ किस तरह से किया जाए। एक ही डोर को पकड़ लीजिए, एक ही तरह से चलिए, उसको समझ लीजिए। कोई आप उपवास करें ना करें मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा तो नहीं है कि आप उपवास कर रहे हैं उससे कुछ मुझे पैसा मिल जाएगा, या उपवास नहीं कर रहे हैं तो कोई हलवाई को पैसा मिल जाएगा। सब चीज़ मिला करके क्या है कि अत्यंत गहरी और सूक्ष्म है, वो उथली चीज़ नहीं है, बड़ी गहरी चीज़ है, और इसका संबंध आपके समझ से है। अगर आपके अंदर शून्यता नहीं हुई तो सहयोग ऐसे तो फैलेगा लेकिन आपको ऊंचा नहीं उठाएगा। ऊंचा उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी गहराई को पहले समझ लें। आज यहाँ पर अधिकतर सहयोगी हैं, नए लोग कुछ कम हैं। उनसे तो कुछ मैं कह नहीं रही हूँ क्योंकि उनको कुछ कहने से वो अभी भाग खड़े हो जाएंगे कि ये तो कुछ और ही बात बता रहे हैं, हमको तो ये छोड़ना पड़ेगा वो छोड़ना पड़ेगा वो छोड़ना पड़ेगा। अपने आप ही छूट जाता है, अपने आप ही ये चीज़ छूट जाती है। अब वैसे देखा जाए
तो बहुत से लोग हैं इनकी अनेक बीमारियां आ जाती हैं, उनको पता भी नहीं चलता और उनको ये भी नहीं समझ में आता कि ये बीमारी आई कैसी, कब आई। पागल खाने में जब चले जाते हैं तब पता होता है कि हम पागल हो गए, उनको पता तो होता ही नहीं आखिर तक कि हम पागल हो गए, पर लोग बाग जानते कि हो गए पागल। वजह ये है कि अगर उनकी जागृति हुई होती तो शुरुआत होते ही लेफ्ट स्वादिष्ठान आज्ञा की पकड़ाते ही समझ जाएंगे कि चल रहा हूँ उसी रास्ते पर, मुझे मानसिक व्यथा होने वाली है, फौरन उसको समझ में आ जाए और फौरन उसका इलाज वो कर सकता है और ठीक हो सकता है। पर घर समझ लीजिए उसने इलाज किया ही नहीं और वही रास्ते पर चलता रहा, उधर कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो अवश्य है कि आप उसी जगह पहुँचिएगा जहाँ पहुँचना है। पहले तय कर लेना चाहिए कि हमें पहुँचना कहाँ है। हमें पहुँचना है परमात्मा के साम्राज्य, वहाँ जाने के लिए पहले इंसान में आह्लाद होना चाहिए, आनंद आना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। मरगिल्ले लोग परमात्मा के साम्राज्य में नहीं जा सकते, उपास्य तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ तो खाने पीने की चैन है। अभी किसी माँ को दूध देना हो तो आप उपास करिए, अगर आपको अपनी माँ को दूध देना है तो आप कहते हैं अच्छा आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, हो गया, फिर माँ के लिए तो सारा दिन खराब गया। और यही चीज़ है कि इतनी गलत छोटी सी चीज़ मैंने आज बताई, ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम उसमें उलझ जाते हैं, फिर राजनैतिक हो जाते हैं, फिर और किसी इसमें फंस जाते हैं, फिर और किसी इसमें फंस जाते हैं। आप योगी जन हैं, आपके पास असंख्य शक्तियाँ हैं जो कि आप स्वयं उन्हें जागरूक कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं।